सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो आप जहाँ अब तक आपने जो भी प्रैक्टिस किया होगा, जो समझा होगा, बहुत काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा होगा। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर जो हो चुका है वो बेटा खत्म हो चुका है, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको, आप बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि कुछ न्यूमेरिकल सेशन और हो जाए, प्रैक्टिस और हो जाए, तो मैं आज कुछ सिर्फ आज हम जो करेंगे सिर्फ मूल कॉन्सेप्ट पे बढ़िया लेवल के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज दैट व्हेन ए रिएक्टेड विद व्हेन ए रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ बी, एक्सेस ऑफ बी, एक्सेस ऑफ बी टू फॉर्म सी एंड डी, टू फॉर्म सी एंड डी अकॉर्डिंगली, अब रिएक्शन कैसे है, टू ए प्लस बी टेंस टू गिव 3c+2d, ओके। बी आपको एक्सेस में दिया हुआ है, बी आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेस। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए रिक्वायर्ड इफ एट लीस्ट 2 ग्राम ऑफ सी, 2 ग्राम ऑफ सी एंड डी आर प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। आपको गिवन डाटा में क्या दिया हुआ, मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है किसका, ए का दिया हुआ है 30, बी का दिया हुआ है 40, सी का दिया हुआ है 20 एंड डी का दिया हुआ है 40। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझो बात को थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो भैया ए रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ बी और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 3c+2d, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बोला देखो, अब ये थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट है, यहां पे ट्विस्ट है कि भैया मिनिमम अमाउंट ऑफ ए चाहिए जब 2 ग्राम एटलीस्ट सीओडी बनना चाहिए, मतलब कम से कम सीओडी कितना होना चाहिए, 2 ग्राम। कहानी यहीं पे ट्विस्ट आती है, कैसे, समझो बात को। बोल क्या रहा है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन चल रहा हूं तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा भैया, 2 मोल ऑफ ए कितना प्रोड्यूस करता है, 3 मोल ऑफ बी। इसका मतलब ये होगा कि 2 मोल इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 मोल कितना करेगा, 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस करेगा 3/2 मोल ऑफ बी। यहां तक की बात समझ में आए, 1 मोल ऑफ ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 3/2 मोल ऑफ बी। तो मैं अगर ये बोलूं, अगर मैं इसको मास में रिप्रेजेंट करूं, 1 मोल ऑफ ए कितना ग्राम बी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब घी बी कितना प्रोड्यूस होगा, तो मोलर मास बी का कितना है, 40 है, तो दिस 2 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा ये, 3/2 2a, 3/2 मोल ऑफ बी, बी 40 दिया हुआ है तो ये 20, 20 तो ये 60 ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा, 60। 2 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस हो रहा है, कर रहा है 3 मोल ऑफ सी, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस कर रहा है, माय मिस्टेक, 3 मोल ऑफ सी। देखो यहाँ पे अभी बी से तो मुझे मतलब ही नहीं, बी तो बेटा एक्सेस में, तो वो तो छोड़ दो, कहानी के डिपेंड किस पे करी, ए सी और डी पे, तो माय मिस्टेक यहाँ पे, तो 2 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑफ सी, तो 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 3/2 मोल ऑफ सी। अगर इसको मैं अगर वेट में रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो 3/2 × c का वेट कितना है, 20, मतलब ये 30 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस होगा, 30 ग्राम, ठीक है, आप समझो यहाँ पे। अगेन डी कितना प्रोड्यूस होगा, तो 1:2:2 के रेशियो में है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस कितना, 1 मोल ऑफ बी, क्योंकि ऑलरेडी 2:2 रेशियो में है, 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ डी, मतलब कितना प्रोड्यूस करेगा, 40 ग्राम डी प्रोड्यूस करेगा, 40 ग्राम ऑफ डी प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे चीज सिचुएशन चेंज, सिचुएशन क्या चेंज है, उसने क्या बोला कि कितना ए का अमाउंट रिक्वायर्ड है ताकि मेरा सी का भी मिनिमम 2 ग्राम होना चाहिए और डी का भी मिनिमम 2 ग्राम, समझो बात को। अगर मैं बोलूं कि मैं चीजें सी से निकालता हूं, ए का वेट,
सी से भी आप ए का वेट निकाल सकते हो, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मान लो ये 30 ग्राम है तो ये 40 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अगर ये 2 ग्राम है तो ये 2 ग्राम से ज्यादा प्रोड्यूस हो, क्योंकि अभी हमने स्टैंडर्ड रिएक्शन से मुझे पता चल रहा है कि 1 मोल इतना प्रोड्यूस कर, मतलब 1 मोल ऑफ ये कम से कम कितना प्रोड्यूस करता है, 30 ग्राम सी का प्रोड्यूस करता है, और कम से कम मतलब ज्यादा से मतलब 40 ग्राम, कम से कम नहीं बोल सकते कि स्टैंडर्ड में 30 ग्राम प्रोड्यूस करता है 40 ग्राम, तो इसका मतलब अगर ये 2 ग्राम है तो ये 2 से ज्यादा होगा, ये 2 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये 2 ग्राम मैं मानता हूं, कि मान लो अगर डी मेरा 2 ग्राम है, एग्जैक्ट 2 ग्राम है, तो क्या ये 2 ग्राम होगा? ऑब्वियस बात है 2 ग्राम तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब ये 40 बन रहा है तो ये 30 बन रहा है, तो जब ये 2 बनेगा तो ये 2 से तो कम ही होगा। इसका मतलब क्या कि आपको एग्जैक्ट 2 किसका मानना पड़ेगा, सी का मानना पड़ेगा। क्यों? अगर आप सी को 2 मानते हो तो ये 2 से ज्यादा, उसने क्या बोला, मिनी एटलीस्ट 2, कितना, 2 कम से कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन किस पे होगी, ये कंडीशन फुलफिल सी पे होगी, किससे फुलफिल होगी, सी पे। तो उसने क्या बोला, कितना अमाउंट ऑफ होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ए का कितना मेरा है 30, तो 30 ग्राम ऑफ ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 30 ग्राम ऑफ सी। तो इसका मतलब अगर ये 30 ग्राम ए प्रोड्यूस कर रहा है 30 ग्राम सी, तो 2 ग्राम सी कितना प्रोड्यूस करेगा, तो आंसर अगर ये 2 ग्राम है, 2 ग्राम ऑफ सी ये कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 ग्राम ऑफ ए, तो 2 ग्राम एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। तो यहां तक आपको बात समझ आई, लेकिन अगर यार डी मान के करोगे तो डी मान के भैया आंसर नहीं है, क्योंकि डी से सी की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, 2 से कम हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 ग्राम ऑफ ए ही आपका एग्जैक्ट क्या होगा, आंसर होगा। चलो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आए, क्योंकि देखो 30 ग्राम ए 30 ग्राम सी प्रोड्यूस करे, तो 2 ग्राम ए 2 ग्राम सी कितना प्रोड्यूस करो, 2 ग्राम ए प्रोड्यूस करेगा, सिंपल से बात है, ठीक है। चलो आई होप सो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जो ट्विस्टेड क्वेश्चन था काफी, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया, पहला क्वेश्चन खत्म, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, प्रिपरेशन 4NH3 को रिएक्ट करवा रहे हैं 5O2 से, ठीक है, और ये दे रहा है आपको 4NO प्लस 6H2O प्लस 6H2O। देखो कभी कभी होता है लाइट के फोकस की वजह से आपको शायद नहीं दिखे, तो इसलिए मैं डिक्टेट भी करता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से भी सुनते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है ट्वाइस ऑफ एनओ, कितना, ट्वाइस ऑफ एनओ रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो ये देगा आपको ट्वाइस ऑफ एनओ 2, ठीक है, एंड अगेन थ्राइस ऑफ एनओ 2, थ्राइस ऑफ एनओ 2 ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है HNO3। ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने का तरीका होता है, ठीक है, एनओ, एक्चुअली मैं ये NO3 कर दो बेटर रहेगा, 3 × 6 2 × 2 2 × 4, ओके ये NO2 ही होगा, ये NO2 होगा, तो ये NO हो जाएगा, ठीक है, 3 × 6 3 × 2 5 3 × 6 और H2O NO, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन, प्रॉब्लम क्या है, ये लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है ये 69% ही यील्ड कर रहा है, ये 60% यील्ड हो रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट 80% यील्ड हो रहा है, कितना हो रहा है, देखो अब यहाँ पे याद करो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ यील्ड और सीक्वेंशियल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल भी बोल सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन भी बोल सकते हो, आप जैसा मन चाहो बोल सकते हो। बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट द, चलिए इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, नीचे क्यों लिखता हूँ, थोड़ा जगह दे देता हूँ, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1260 ग्राम 1260 ग्राम ऑफ HNO3। देखो 1260 HNO3 का दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, सॉरी मोल्स ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा, 1260 डिवाइडेड बाय
48 अड़तालीस और 14 14 48 प्लस 14 होता है 52 52 प्लस 8 63, तो ये हो जाएगा 20 मोल्स। मतलब यहाँ पे आपके 20 मोल्स है, यहाँ से यहाँ जाना है आपको। बट इन माय ओपिनियन जाने में तो आप जा सकते हो, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे हिसाब से। ऊपर से नीचे जाओ तो जाके बेटर हो, ऊपर से जाते जाओ और साथ में उसको 20 के बराबर कर देना, बस इतना ही करना है। नहीं समझ में, ऊपर से x मानते हुए इसको निकालते जाओ और बाद में ये वैल्यू के बाद बराबर कर देना जो HR3 की वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है। अब हमें कुछ करना नहीं है, रिएक्शन का अकॉर्डिंग चलना। लेट इसका मैंने x ग्राम माना, कितना ग्राम माना मैंने x ग्राम, x को अगर मैंने इसके मोलिकुलर मास 17 से डिवाइड किया तो ये मोल्स हो गया। ठीक है, जैसे अब हमें वही कॉमन वाला रहेगा कि दो रिएक्शन में जो कॉमन होगा उसको निकालो, फिर निकालते रहो। ठीक है, अगर ये फोर, अगर ये कौन से रेशियो में है, तो इन दोनों रिएक्शन में एनो कॉमन है तो एनो को पकड़ूंगा मैं यहाँ पे। एनो कितना बनेगा, ये 4:4 है, मतलब 1:1 का रेशियो, तो ये भी एक्स बाय 17 बनेगा। कितना बनेगा, एक्स बाय 17। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये 100% नहीं बन रहा, अगर ये 100% होता तो एक्स बाय 17। ये बना कितना, 0.69%, मतलब इसका 0.69% को आप पॉइंट में कर रहे हो तो 0.69, मतलब इसका 69 बना। अब यही इतना ही वैल्यू यहाँ पे भी होगा, x by 17 into 0.69। अब ये भी 2:2 का रेशियो है तो यहाँ पे भी इतना ही बनेगा, x by 17 into 0.69। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो बन रहा है वो 100% नहीं बन रहा, वो 60% बन रहा है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 0.60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, खत्म बात। अब यहाँ पे ये यहाँ पे यूज होगा, तो x by 17 into 0.69 into 0.6। ठीक है, इतना बना। अब इसका मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका निकालना उसका स्टोइकोमेट्री ऊपर, जिससे निकालना उसका स्टोइकोमेट्री नीचे, और इनटू मोल्स ऑफ दैट, तो x by 17 into 0.69 into 0.6। ठीक है, लेकिन ये भी कितना बन रहा है, 80%, तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया ओवरऑल, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 मोल्स के बराबर होगी, तो खत्म कहानी। 2/3 x by 17 into 0.69 into 0.6 into 0.8 is nothing but, चलो बराबर है ये किसके, 20 के बराबर होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए उसके बाद ही आप सोल्यूशन लिखेगा। इसका जो मोस्ट प्रोबेबली पूरा आंसर आता है, इसका जो आंसर आएगा, चलो इसका आंसर आप निकाल लेना, इसलिए मैं क्या कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, ठीक है, आप ये निकाल के बता देना मुझे, व्हाट्सएप पे कर देना, क्योंकि थोड़ा काफी लंबी कैलकुलेशन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, समझो बात को। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन की बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चा बहुत गड़बड़ी करता है, रिएक्शन बिटवीन सी एंड ओ, रिएक्शन बिटवीन सी एंड ओ। तो जनरली देखो, कार्बन अगर रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट CO2 बनाता है, यही कार्बन अगर रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। तो ये और ये यहाँ पे हुआ, तो ये रिएक्शन बैलेंस है, और यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो आपके पास इस रिएक्शन में होने के बाद आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी बच जाए, ऑक्सीजन भी बच जाए, आफ्टर दिस रिएक्शन आपके पास क्या बच रहा है इस रिएक्शन में, सपोज करो, सपोज मैंने क्या बोला, सपोज अगर ऐसा हुआ कि इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बच रहा है और ऑक्सीजन भी बच रहा है, तो ये फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2। अब यदि ऐसा मान लो कि CO2 बच गया इस केस में और कार्बन बच गया, CO2 बच गया और कार्बन नहीं बचा, तो ये क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस 3/2 2 2 2, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ये रिएक्शन याद रखना कि इस तरीके से रिएक्शन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो ऑक्सीडाइज होता, मतलब CO कन्वर्ट होगा CO2 में, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, तो CuCO बन जाएगा। अगर मान लो CO2 प्लस O2 बच रहा है तो नो रिएक्शन, या फिर CO प्लस कार्बन बच रहा है तो भी नो रिएक्शन। समझ में आया, अब मैंने कहने का मतलब क्या है, समझो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि फलाना कार्बन इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो हमेशा मेरा प्रिफरेबल मेथड क्या है, पहले इमेजिन करो कि मान लो कार्बन ऑक्स
पहला जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड, मुझे नहीं पता कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं मान के चलूंगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं हम, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन आपको क्या देखना है कि यही कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब फर्दर देखना पड़ेगा कि आपको आखिर क्या क्या हो रहा है। तो पहला मेथड तो आपको यही अजम करना है, डायरेक्ट इस मेथड पे आपको नहीं जाना, मतलब डायरेक्ट कोई भी रिएक्शन आपको नहीं लिखना। अगर कार्बन और सिर्फ ऑक्सीजन का केस है तो पहले रिएक्शन आपको इस तरीके से मान के चलना है। चलो ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इफ 3 मोल ऑफ सी रिएक्ट विथ पहला 5 मोल ऑफ O2, सेकेंड है 0.25 मोल ऑफ O2 एंड थर्ड है 2.5 मोल ऑफ O2। मैंने तीन कंडीशन आपको दे दिए, तीनों तरीके से मैं आपको समझा भी देता हूँ कि आपको करना क्या है। चलो तो पहला कंडीशन हम समझते हैं। तो पहला तरीका मैं हमेशा बोलूंगा आप प्रेफरेंस आप यही चलो, दोनों रिएक्शन लिख दो, 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देगा आपको ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और सपोज करो दूसरा दिया हुआ 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये किसे दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसा फॉर्म हो रहा है, क्या बोला 3 मोल ऑफ कार्बन है आपके पास और 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब भी मैंने बोला ये केस 2 हो गया, केस 2 का मतलब क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो 3/2 1.5 और 5/1 5, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट आपका कौन सा होगा कार्बन होगा। अब ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, अब ऑक्सीजन कितना बच रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 1:2 का रेशियो है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 3, ठीक है। और ये बनेगा कितना यहाँ पे 2:2, मतलब 3 का ही रेशियो, 2 अगर ये 3 है तो ये भी 3 बनेगा, 2:1 का रेशियो। तो यहाँ पे बचा कितना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ये यहाँ से 1.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3.5 बचा। अब आपके पास रिएक्शन में क्या बचा देखो, 3 भी बच रहा 3.5 भी बचा। फर्दर रिएक्शन कराओ, यहाँ पे 3 बचा यहाँ पे 3.5 बच रहा। अब फिर से रिएक्शन चेक करो, वेरी गुड, कौन सा होगा ये होगा, तो ये तो मेरा खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, इतना 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 मोल ऑक्सीजन के बचेंगे और यहाँ पे कितना बनेगा 3 मोल। तो अगेन आपका कंपोजिशन किसका किसका है, CO2 का और CO का, जिसमें ये कितना बन रहा है सॉरी CO2 का O2 का। क्या CO2 और O2 रिएक्शन करते हैं, नो रिएक्शन, अब मतलब कोई रिएक्शन होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कितना बनेगा CO2 3 मोल बनेगा और ऑक्सीजन कितना बच रहा है 2 मोल, तो ये मेरा फाइनल कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसी के तरफ से चलूं तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं फिर से कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा आपको CO, ट्वाइस, ठीक है। अगेन आपने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट मेरा ये 3 ही मोल लिया तो ये पहला पार्ट मेरा खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये 3 मोल है लेकिन ये तो 0.25 मोल है ना, ये कितना है 0.25, अगेन लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये होगा, तो ये तो मतलब ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 1:2 का रेशियो, मतलब ये 0.5 बनेगा, कितना बनेगा 0.5, और यहाँ पे कितना बचेगा ये, तो 1:2 का रेशियो है ना, तो ये बचेगा 2.5, कितना बचेगा 2.5। ये मैं डायरेक्ट कर रहा है, होप सो सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लो एक्सेस रिएजेंट कैसा बनेगा। टोटल मोल्स है मेरे पास 3, अब इसमें से कितना रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्ट करेगा ये 1:2 का, मतलब 2 × 0.25, 2 × जिसका निकालना उसको ऊपर डिवाइडेड बाय 1 × 0.25, मतलब यहाँ पे बचेगा कितना मेरा 2.5। ये एक्सेस रिएजेंट निकालने का मेरे पहले तरीका आपको बता चुका है। अब अगेन आपको क्या बचा, कार्बन बच रहा है और आपके पास CO बच रहा है, क्या बच रहा है कार्बन बच रहा है और CO, कोई रिएक्शन होता है देखो, नो रिएक्शन, मतलब फर्दर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा,
अच्छा एक मिनट देखना तो, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ तो मतलब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन बच रहा है, तो ये बचेगा 2.5 बचेगा और ये 0.5, ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर हुआ। आप बोलोगे सर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं बोल रहा हूँ सर अगर मैं डायरेक्ट सी प्लस ओ टू डायरेक्ट सीओ टू करता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप पुट करके देखिए, आपने ये कितना लिया 3 लिया था, ये कितना लिया 0.25 लिया था, तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2.75 बचेगा, इतना पार्ट ये कर जाएगा और यहाँ पे बनेगा कितना 0.25। मैं सेकंड मेथड से चल रहा हूँ, मैं ये मान के चलो आपने डायरेक्ट ये रिएक्शन देखा, अब सोचो आपके पास प्रोडक्ट में बच क्या रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, क्या रिएक्शन होता है? बिल्कुल होता है, तो क्या कर सकता हूं मैं, CO2 plus C tends to give क्या CO, तो this twice, okay? Now, कार्बन कितना बच रहा है, ये 2.75 बच रहा है और ये 0.25 बन रहा है, ये 0.25 बन रहा है, अब कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा, ये लिमिटिंग, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2.5 बचेगा, इतना ही पार्ट यहाँ पे बनेगा, मतलब 2 × 0.25 मतलब 0.5, देखो फाइनल आंसर सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी क्वेश्चन को आप मेरे तरीके से भी चल सकते हो, आप अपना तरीका भी लगा सकते हो, दैट चॉइस इज योर, बट ये चीजें याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड के देख लो कि ये हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बचे तो मतलब 100% फाइनल प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और या अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बचा मतलब फाइनल प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये दोनों बचा तो मतलब कहानी वहीं पे खत्म हो गई, फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरे पार्ट की बात करूं मैं, तीसरे पार्ट आप जैसा बोलो, जो मेथड बोलो वो मेथड से चलता है, पर मैं मेरे मेथड से जाता हूं, ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा आपको, ट्वाइस ऑफ CO, ये 3 मोल लिया मैंने, ये 2.5 मोल लिया, ठीक है, तीसरे पार्ट में, तो ये आगे मेरा लिमिटिंग एजेंट ये होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 3 बनेगा, यहां पे कितना बचेगा 1 बचेगा, क्यों 3 1.5 1.2.5 में से 1.5 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, हां तो ये फिर से रिएक्शन होगा, कार्बन प्लस O2 क्या देगा आपको CO2, दिस और दिस, ओके चलो रिएक्शन बैलेंस है मेरा, अगेन फिर से क्या बच रहा है मेरा, ये 1 बच रहा है और ये 3 बन रहा है, अगेन मेरा लिमिटिंग एजेंट अब ऑक्सीजन होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहां पे कितना पार्ट रिएक्ट करेगा, यहां पे पार्ट रिएक्ट करेगा 3 − 2 × 1, तो ये कितना बचेगा 1 बनेगा और यहां बनेगा कितना 2, तो फाइनल प्रोडक्ट में आंसर आपका क्या हुआ CO2 और CO, तो ये 1 बचेगा और ये कितना बचेगा 2, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में ना रखते हुए, इसलिए मैंने ये पार्ट पांच पहले कराया कि ताकि आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप सो यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होंगी, तो मैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि आज हमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपका एडवांस एम्स जो भी आप तैयारी करो वो आपका अच्छे से हो। मोर कॉन्सेप्ट में आएगा तो आपको कोई डर नहीं लग रहा होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 2 3, चलो जो भी क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ए मिक्सचर कंटेन, ए मिक्सचर कंटेन AgCl एंड AgBr is found to contain 61% of Ag by mass, percentage by mass है देखो W by W, ठीक है, what is percent by mass of Cl and Br present respectively, ठीक है, अब उसने दिया हुआ क्या है, Ag का मोलर मास दिया हुआ 108, क्लोरीन का दिया हुआ 35.5 और Br का दिया हुआ है 80, ठीक है, Br का दिया हुआ 80, ठीक है, बोल क्या है भैया, आपके पास एक मिक्सचर है AgCl और AgBr,
जिसमें 61% मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 61 ग्राम ऑफ एजी कंटेन कर रहा है। अरे 61% बाय मास मतलब क्या, 100 ग्राम में 61 ग्राम क्या है, एजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिक्सचर का टोटल वेट आपके पास कितना होगा, 100 ग्राम। कितना होगा, 100। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, लेट अगर ये x मानता हूं तो दूसरा मेरा क्या होगा, 100 माइनस x। अगर मोल्स की, चलो इससे मोल्स में कुछ बात होगी क्या, चलो मोल्स की बात करता हूं। अगर मैं AgCl के मोल्स की बात करूं, मोल्स ऑफ AgCl मेरे पास क्या होगा, x / 143.5, और मोल्स ऑफ AgBr आपके पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ AgBr हो जाएगा 100 माइनस x / 188, 100 माइनस x / 188, राइट। मेरे हिसाब से तो ये सही है, ठीक है, ये तक खत्म हो गया। अब एक बात समझो, अगर 100 ग्राम में 61 ग्राम आपके पास सिल्वर है तो क्लोव बचा क्या आपके पास, सिल्वर भाई, दोनों AgCl AgBr मिला के समझो 61 ग्राम आपके पास सिल्वर है 100 ग्राम में, तो क्लोरीन ब्रोमीन का मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, मास ऑफ क्लोरीन प्लस मास ऑफ Br इज इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस 61, यही तो होगा, मतलब इज इक्वल टू 39, ठीक है। अब कहानी यही से भैया, क्योंकि देखो दिमाग आपको यही सोचना है कि भाई आप कैसे निकाल सकते हो, कुछ तो हिंट देता है ना क्वेश्चन में, तो सिंपल से बात है, मास ऑफ Cl को किस में कन्वर्ट कर दो, POC में, मोल्स में, तो मास ऑफ Cl को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर AgCl, अगर मास ऑफ Cl की बात करो तो मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ Cl इनटू 35.5, तो ये भी तो मेरा मास ऑफ Cl ही होगा, राइट, प्लस मोल्स ऑफ Br इनटू 80 इज इक्वल टू 39। क्या ये मोल्स ऑफ Cl को मैं ऐसा लिख सकता हूं, POC लगा दो, AgCl, AgCl भी कन्वर्ट हुआ होगा Cl में, AgBr भी कन्वर्ट हुआ होगा Br में, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मतलब मान के क्या, वही है ना भैया, आप अगर AgBr के रिस्पेक्ट में लिखते हो, POC अप्लाई करते हो, तो क्या मैं लिखूंगा, AgCl के रिस्पेक्ट में, तो 1 कितने एटम है, एक क्लोरीन का एटम इनटू मोल्स ऑफ AgCl, ये मोल्स ऑफ Cl को मैं 1 इनटू मोल्स ऑफ AgCl लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इनटू 35.5, कोई दिक्कत है ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस 1 इनटू मोल्स ऑफ AgBr इनटू 80 इज इक्वल टू 39। अब ये सब क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसका POC में बहुत अच्छा कमांड होगा, जिसने अनादर व्यवस्थे बहुत अच्छे से बनाए, जिसने मेरी शीट बहुत अच्छे से बनाई होगी, तो उसके लिए ये सब प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एट दिस इक्वेशन तो बनाना सीख गया होगा। अब बात समझो भैया, AgCl का वेट कितना है भैया, AgCl का वेट आ रहा है, मतलब मोल्स कितना है, x / 143.5 इनटू 35.5 प्लस AgBr का कितना है, 100 माइनस x अपॉन 188 इनटू 80 इज इक्वल टू 39। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू शायद मैंने कैलकुलेट की है, शायद आई थिंक या आपके लिए छोड़ा मैंने शायद, ओके ठीक है, नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, डजंट मैटर, यहां से गेट द वैल्यू ऑफ x। अब x निकालने क्या हुआ, किसी भी एक में आप पुट कर दीजिए तो ये जो आपको देगा वो क्या देगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी, और फिर इसमें पुट करिएगा, इस मतलब इस ब्रैकेट में, किसी एक ब्रैकेट में आप पुट कर दीजिए और आपको परसेंटेज ऑफ क्लोरीन और परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, आप प्लीज कैलकुलेट करके मुझे प्लीज मैसेज करिएगा करेक्ट रहे कि नहीं, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इस वजह से मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, आई होप सो, ठीक है, आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब मेरा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का, अब ये सारे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके नाउ क्वेश्चन है हमारा MnO2 ऑन इग्निशन, MnO2 ऑन इग्निशन कन्वर्टेड इनटू Mn3O4 इस सैंपल ऑफ पाइरोसाइट हैविंग 80% MnO2, 15% SiO2
एंड 5% H2O एंड आफ्टर हीटिंग H2O गेट कन्वर्टेड इंटू वेपर गेट कन्वर्टेड इंटू वेपर फुल स्टॉप. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Mn इन द रेसिड्यू इन द रेसिड्यू. ठीक है, देखो क्वेश्चन का मतलब समझो. पहले तो आपको से अटेम्प्ट करिए, जब नहीं बनता है एट लीस्ट गिव 10 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन. ठीक है भैया, एक कंटेनर में कोई सैंपल है MnO2 का, पाइरोलिसाइट मतलब MnO2 हो गया, SiO2 हुआ और H2 हुआ. ये मान लो 80% मतलब 100 ग्राम मैन लाइट 100 ग्राम परसेंटेज का प्रॉब्लम आ गया, मतलब टोटल वेट 100 ग्राम मान लो, तो ये 80 ग्राम हो जाएगा आपके पास, ये 15 ग्राम हो जाएगा और ये 5 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, बोल रहा हीटिंग करने पर आपके पास सैंपल में बच रहा है Mn3O4. क्यों हीटिंग करने पर? पहले बोल दिया MnO2 गेट कन्वर्टेड इनटू Mn3O4. अब SiO2 कुछ होगा क्या? SiO2 कुछ नहीं, SiO2 मतलब सिलिका, सैंड, सैंड तो सैंड ही रहेगा भैया, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे. या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 15% इंप्योरिटी, इंप्योरिटी तो भैया इंप्योरिटी फॉर्म में रहेगी, मतलब ये स्टिल 15 ग्राम पहले भी था और बाद में भी 15 ग्राम है. ये मान लो W ग्राम बना, ये रेसिडुअल, यही तो मेरा क्या है रेसिडुअल प्रोडक्ट है ना, यही मेरा क्या है रेसिडुअल प्रोडक्ट. तो अगर मैं उसने पूछा परसेंटेज ऑफ Mn इन रेसिड्यू, मतलब ये होगा कि W by W plus 15 into 100. अगर ये W आ गया मतलब खत्म कहानी. ठीक है, मतलब सॉरी Mn बोला ना, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, W नहीं लिख सकते, Mn का परसेंटेज पूछा है ना, तो Mn का परसेंटेज इसमें कितना होगा, मतलब ये होगा कि मोल्स ऑफ Mn क्या होगा इनटू मोल्स ऑफ Mn या मास ऑफ Mn, डायरेक्ट नहीं मास ऑफ Mn लिखो ज्यादा बेटर है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं मास ऑफ Mn इन रेसिड्यू डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ रेसिड्यू, मतलब दैट्स समथिंग बाय W plus 15 इनटू 100, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में यही होगा मेरा. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब करना आपको क्या है, समझे बात को. अब आपको बस इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इंप्योरिटी है, तो मतलब ये है कि MnO2 कन्वर्ट हो रहा है Mn3O4 में, तो ऑब्वियस सी बात है जब कंडीशन ही Mn के बारे में तो POC भी Mn पे लगेगा, तो 1 इनटू मोल्स ऑफ MnO2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3 इनटू मोल्स ऑफ Mn3O4, तो ये कितना हो जाएगा लाइक इट्स विल बी 80 डिवाइडेड बाय, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 87, कितना होगा 87 into 1, ये कितना हो जाएगा 3 into W by ये 165 plus 64, ये हो जाएगा 229, कितना हो जाएगा 229. तो यहाँ से W जो आएगा आपके पास, यहाँ से W जो आएगा ये आ जाएगा मेरे पास 80 into 229 divided by 87 into 3 divided by 87 into 3, तो ये approximately आता है 70 ग्राम आता है, कितना आता है 70 ग्राम. ठीक है, मुझे मास ऑफ Mn इन द रेसिड्यू चाहिए था, क्या था मास ऑफ Mn इन द रेसिड्यू, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसमें परसेंटेज ऑफ Mn में, परसेंटेज ऑफ Mn में लिख सकता हूं मोल्स ऑफ Mn इनटू 55, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है डिवाइडेड बाय W plus 15, मतलब W plus 15 टोटल वेट कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि वाटर तो कंडेंस हो गया, इससे तो कोई मतलब नहीं है. तो यहां तक चीजें समझ में आई? मास, देखो क्या पूछा, मास ऑफ Mn इन द रेसिड्यू, तो मास ऑफ Mn इन द रेसिड्यू, कोई भी मास ऑफ Mn इन द रेसिड्यू का मतलब ये हुआ कि मोल्स ऑफ Mn इनटू इनटू एटॉमिक वेट, यही तो हुआ इसका मतलब, इनटू 100. अब समझो बात को, ठीक है, समझना आपको ये था कि मोल्स ऑफ Mn इनटू 100, क्या ये मोल्स ऑफ Mn ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, देखो क्या ये मोल्स ऑफ Mn रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मोल्स मतलब ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज नथिंग बट मोल्स ऑफ Mn, This is nothing but moles of Mn. बात समझ रहे हो? क्योंकि ये atomic conservation मतलब क्या? ये सारे किसको represent कर रहे हैं? Moles of Mn को represent कर रहे हैं ना? चीजें समझ में आ गई आपको क्या बोल रहा हूँ?
इसका मतलब है ये इसके फॉर्मेट में चाहे ये यूज करो या यूज करो, दैट चॉइस इज योर, आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मोल्स ऑफ एमएन को चाहे आप, मैं बेसिकली ये यूज कर रहा हूं, तो परसेंटेज ऑफ एमएन बराबर क्या हो जाएगा, 80/87 × 55, ठीक है, यही रिप्रेजेंट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 85 × 100। तो मेरे हिसाब से जो भी होगा आंसर आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई बेटा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम हमने किया है। ठीक है ना, ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा क्या है, चलो आपसे यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर जिसको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, देखो मास ऑफ एमएन को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ एमएन, देखो मास ऑफ एमएन मतलब क्या होगा, W/55 = mols of Mn, और यही तो मास मुझे चाहिए, रेसिड्यू में जो भी मास होगा चाहे किस तरीके से रिप्रेजेंट करो, दैट चॉइस इज योर, तो मास ऑफ एमएन को 55 टोटल वेट हो गया, तो मोल्स ऑफ एमएन POC से मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये मतलब क्या है, मोल्स ऑफ एमएन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होगी, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O डिकम्पोजेस एट टेम्परेचर 30°C yielding metallic silver and oxygen gas. ठीक है, a 1.60 gram sample of impure silver oxide is 0.104 gram of oxygen gas. What is percent by mass of silver oxide in sample? मतलब सिंपल सा बात है, उसने परसेंटेज ऑफ प्योरिटी पूछा, क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। देखो सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोजिंग एट 30°C, सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला दे दिया, Ag2O डिकम्पोज कर रहा है, सिल्वर दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब ये हाफ हो गया और ये टू हो गया, खत्म बात, कहानी खत्म यहां पे। अब आपको क्या पूछा, 1.60 इंप्योर सिल्वर ऑक्साइड, मतलब ये तो टोटल वेट है आपके पास 1.60, और उसमें बोल रहा है कि यील्ड कितना कर रहा है, 0.104 ग्राम ऑक्सीजन, तो कन्वर्ट कर लीजिए आप इसको किसमें, मोल्स में, तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर आता है 3.25 × 10⁻³, इतना ऑक्सीजन मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सिल्वर ऑक्साइड यहां से आपको देखो यहां से क्या मिला है, सिल्वर ऑक्साइड, और यहां से जब मोल्स पता चल गया, मोल्स पता चल गया मतलब वेट पता चल गया, ये जो वेट होगा ये प्योर सिल्वर ऑक्साइड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा, 1.60 टोटल था, उसमें से इतना पार्ट रिएक्ट करेगा, बाकी इंप्योरिटी प्रेजेंट रहेगी, तो कुछ नहीं, इतना है जिसका निकालना है, जिससे निकालना है, मतलब जिसका निकालना है स्टोइकोमेट्री ऊपर, किससे निकालना, ऑटो से निकालना है स्टोइकोमेट्री इंटेक × 3.25 × 10⁻³, इतना हुआ 10⁻³, तो दैट्स नथिंग बट मोल्स ऑफ Ag2O मेरे पास हो गया 2 × 3.25 × 10⁻³, then what is the weight of Ag2O? Weight of Ag2O is nothing but 2 into 3.25
इनटू 10 रेस टू माइनस 3, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है मेरे हिसाब से दैट विल बी 232, तो ये आ जाता 1.508 ग्राम, कितना आ जाता 1.508 ग्राम। तो उसने क्या पूछा परसेंटेज ऑफ Ag2O, तो दैट्स नथिंग बट 1.508 डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू 100, तो एप्रोक्सीमेटली 94% आता है, 94। तो आई होप सो देखो क्वेश्चन बहुत बड़े, बट अगर आपको मीनिंग समझ में आएगा तो क्वेश्चन कोई में बहुत ज्यादा कोई भी दम नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते बेटा, हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये थोड़ा। ठीक है, तो इसको करते हैं अब हम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है जो पहले बताया, इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू अमोनिया सॉल्यूशन थ्रू अमोनिया सॉल्यूशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन फुल स्टॉप CO2 फॉर अबाउ रिएक्शन CO2 for above reaction is prepared by H is prepared by combustion of hydrocarbon. If combustion of 236 kg of saturated hydrocarbon CnH2n plus 2 मतलब alkane produces as much CO2 as required for production of 999.6 kg of urea full stop, then find out molecular formula of hydrocarbon। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मीनिंग को समझिए, कहानी खत्म है। बोल क्या रहा है कि भैया ये मैन्युफैक्चर किया जाता है यूरिया को, कैसे, बाय CO2 को पास किया अमोनिया सॉल्यूशन से, लेट्स से अमोनिया सॉल्यूशन है और इसको CO2 से पास किया, तो ये आपको देता है NH2CO NH2 plus H2O, क्या हो जाएगा H2O, ये ट्वाइस हो गया, बैलेंस हो गया, 2 × 3 ये हो गया बैलेंस, 6 × 4 = 6 × CO2। ठीक है, तो ये मेरा रिएक्शन है। अब क्या बोल रहा है, ये CO2 जो है, ठीक है, यहां तक मेरा पहला रिएक्शन लिखा था, कभी कभी आपको वर्डिंग पकड़ के रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, CO2 फॉर अबव रिएक्शन
इज प्रिपेयर्ड बाय कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब ये जो CO2 आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ये CO2 आपको मिलेगा जब CnH2n+2 को आप ऑक करते हो, तो ये आपको CO2 देता है और H2O देता है, मतलब N N CO2 देगा उसको भाड़ में जाने, मुझे उसको कोई मतलब नहीं, मुझे कार्बन चाहिए, मतलब है बोल रहा है if combustion of 236 kg of saturated hydrocarbon produces as much as CO2, मतलब ये 236 लिया और ये CO2 इतना प्रोड्यूस कर रहा है जितना अमोनिया रिक्वायर्ड है मेरे को, मतलब क्या बोला है, ये इतना CO2 है जिससे मेरा कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, कहने का मतलब है ये 236 केजी अगर इस हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करता है ताकि ये मेरा 999.6 केजी अमोनिया ये सब यूरिया प्रोड्यूस हो, तो यहां से मैं कुछ नहीं कर, यहां से मैं ये उल्टा जाऊंगा खत्म बात, तो 999.6 × 10³ डिवाइडेड बाय 60, तो ये देगा 16.66 × 10³ मोल्स, यहां से मैं यहां जाऊंगा इसके भी कितने मोल्स रहे 16.66 × 10³, और इतना ही तो CO2 यहां पे प्रोड्यूस हुआ था, मतलब यहां से उल्टा गया था, बट हम ऊपर से नीचे जाएंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन में, तो 16.66 × 10³ क्योंकि यही CO2 यहां पे प्रोड्यूस हुआ था, यही तो प्रोड्यूस हुआ था यहां पे, ये CO2 कहां से निकला है यहां से, तो इतना ही CO2 यहां पे भी होगा, अब उल्टा जाएंगे आपको क्या निकालना है इसका निकालना, ठीक है, इसका मोल्स कितना हो जाए, इसका स्टोइकोमेट्री 1 है, इसका स्टोइकोमेट्री n है, तो 1/n जिसका निकालना है, जिससे निकालना उसे डिवाइड करूंगा इनटू 16.66 × 10³, ये मेरे मोल्स आए, अब आपको वेट में कन्वर्ट कर दो खत्म, वेट तो इसका कितना दिया 236 केजी, तो 1/n इनटू 16.66 × 10³ मोल्स थे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो Cn मतलब 12n प्लस H2n का क्या हो जाएगा 2n+2 × 1, तो 2n+2 हो जाएगा, ये मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास वेट के बराबर होता, वेट कितना दिया हुआ 236 × 10³, 10³ कैंसिल, और 16 क्या मैं इसको लिख सकता हूं 14n+2 ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 236 डिवाइडेड बाय 16.66 और ये n ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 14.1 जस्ट ये जो वैल्यू होती है मेरे हिसाब से 14.16 n और 14n+2 तो 2 बराबर हो जाएगा 0.16 n, तो n की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 12, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C12H14। तो ये देखो क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चा, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, ये बच्चा क्या करता है क्वेश्चन देख के डर जाता है, जबकि हमें डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को उतारने हैं, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना, देखो सॉल्यूशन देख रहे हो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस आपको चीजें समझनी है यहीं पे, तो सारा खेल यहीं पे होता है। आई होप सो जितने भी आज मैंने प्रॉब्लम कराएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और आई होप सो इसके बाद आप कोई प्रॉब्लम में ना फंसो, तो यहाँ तक के लिए मोल कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त, थैंक यू।